नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। अग्निवीरों के लिए अब इग्नू 3 साल का डिग्री प्रोग्राम शुरू करेगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोर्स को इग्नू की ओर से डिजाइन और संचालित किया जाएगा। ये एक विशेष 3 वर्षीय स्किल ट्रेनिंग आधारित ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने जहां 17 विपक्षी दलों के साथ दिल्ली में बैठक की, वहीं इस मीटिंग के चंद घंटे बाद ही सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक्टिव हो गए। राजनाथ ने पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से बात की, इसके बाद उन्होंने शरद पवार और मायावती से भी बात की। सिक्किम के लिंगजिया इलाके में पुलिस की गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, साथ ही 4 घायल भी हुए हैं। जोंगू के एसडीएम डॉक्टर सोनम रिनचेन लोपचा ने कहा कि गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी, जिसके कारण यह हादसा हो गया है। नेशनल हेराल्ड केस में बुधवार को लगातार 3रे दिन ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की। ईडी ऑफिस पहुंचे राहुल से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। उन्होंने फिर से पूछताछ के लिए राहुल को शुक्रवार को बुलाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के अग्रिम इलाकों का दौरा करने वाले हैं। सिंह केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वो सबसे पहले सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं दक्षिणी हिस्से में यूक्रेन की सेना ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। रूसी फौज इससे बौखला गई है और वो सेवेरोडोनेट्स्क शहर में सिविलियंस को निशाना बना रही है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $1 अरब और देने का ऐलान कर दिया है। भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई के नए समूह I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक जुलाई में होने जा रही है। इस समूह में I2 इंडिया और इजराइल के लिए, जबकि U2 अमेरिका और यूएई के लिए इस्तेमाल किया गया है। मीटिंग में पीएम मोदी के साथ बाइडेन समेत 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। तो फिलहाल के लिए देश विदेश की मुख्य खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।